आज का टॉपिक है प्यार तो बहुत है लेकिन एक्शन लेने की भी जरूरत है। तो क्या हो सकती है वजह जो अभी भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। अब देखते हैं ओरेकल के कार्ड क्या कहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और ये हो गया 10। एक लव मैसेज भी ले लेते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। शुरुआत करेंगे टैरो से। पहला ही कार्ड आया है टावर का। तो कुछ ऐसा हो चुका है कि जिसकी वजह से थोड़ी सी पैरों तले जमीन खिसक गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन वहां से नीचे गिर चुका है और यहाँ पे सब कुछ टूट के बिखर गया है। तो शायद इन्होंने कुछ बात आपसे रिलेटेड की है, हो सकता है घर में, और घर से शायद कोई ऐसा जवाब उन्हें मिला है जिसकी वजह से, मतलब हो सकता है घर वालों ने कहा होगा कि हम तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे या फिर तुम्हें हमेशा के लिए बैन कर देंगे या फिर एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से इनके लिए वो बात काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। मतलब इन्होंने शायद कभी ऐसा सोचा नहीं था कि अगर वो घर वालों से ऐसी बात करेंगे तो इस तरह का कुछ रिएक्शन होगा। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, मतलब एक सिनेरियो कि शायद घर में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़े से डिस्टर्बिंग की एनर्जी में है और शायद इसलिए प्यार करते हुए भी कोई एक्शन वो नहीं ले पा रहे, क्योंकि घर छोड़ के नई दुनिया स्टार्ट करना और अपने पेरेंट्स से अलग होना या फिर उनकी जुबान से सुनना कि वो हमसे सब रिश्ते नाते तोड़ देंगे, ये कई बार बहुत डिस्टर्बिंग होता है। हर कोई वो बात सुन के बर्दाश्त करने की हालत में नहीं होता। तो ऐसे शायद कुछ आते हुए हो सकती है इस पर्सन के साथ जिसकी वजह से वो थोड़े से हिल गए हैं, मतलब डिस्टर्ब थोड़े से हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन थोड़ा सा एग्रेसिव बन रहा है और लग ही रहा है कि शायद ये किसी से फाइट करने जा रहा है। तो हो सकता है घर में काफी ज्यादा बहस हो रही है या फिर हो सकता है आपके साथ भी इनकी कोई बहस हो चुकी है, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को और ये पर्सन जो है वो एंगर में लग रहा है। तो नाइट का कार्ड है, मतलब घोड़े पे सवार अचानक से शायद इस पर्सन ने जो दिल में आया वो बोल दिया, उसकी वजह से शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, हो सकता है आपके साथ या फिर उनके घर वालों के साथ। नेक्स्ट है द स्टार। तो विश कार्ड है, ये दिल से आपको पाना तो चाहते हैं लेकिन जैसे यहाँ पे सिर्फ हाथ फैला के अगर हम यूनिवर्स से दुआ करते रहे कि जैसे यहाँ पे ये लेडी ने हाथ फैलाए हुए है कि हे भगवान मुझे ये दे दो या फिर मुझे ये मिल जाए, तो कुछ बातें हमारे लाइफ में आने वाली है नहीं, हमें कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। दिन रात ऐसे सिर्फ
विश करते रहने से तो विश फुलफिल होने वाली है नहीं, और यही समझने की जरूरत है इस पर्सन को यहाँ पे। जैसे यहाँ पे चारों तरफ पानी है तो ये पर्सन अपने इमोशंस में खो जाते हैं। उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि घर वालों की भी खुशी सब देखना ये भी उनकी विश है, और दूसरी तरफ वो आपके लिए भी कई सारे विश करते हैं, मतलब मेल फीमेल जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिल की कई सारे विशेष जैसे आपसे जुड़ी है वैसे ही उनकी फैमिली से भी जुड़ी है। और इस वजह से उन सब बातों के बारे में जब ये सोचते हैं, यानी कि एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनल हो जाते हैं, जिस वजह शायद उनका फोकस हट जाता है। नेक्स्ट है टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स का कार्ड तो आपको पता ही होगा, एक हैप्पी फैमिली एंडिंग चाहते हैं वो, मतलब जहाँ पे सब कुछ खुशहाल हो, एक हैप्पी लाइफ हो, घर है, बच्चे हैं, एक कपल है, और बुजुर्ग भी कई कार्ड में होते हैं, तो सबको साथ लेके मतलब खुशी खुशी हैप्पी एंडिंग हो, ऐसा ये चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स यानी कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस आपका या उनका साइन हो सकता है, तो ये पर्सन आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप को लेके सोचते तो है। हो सकता है कई सारे उनके जो सपने हैं वो ऑलरेडी उन्होंने आपके साथ जोड़ दिए हैं, लेकिन ये सपना तभी पूरा होगा जब कोई एक्शन लेंगे, और वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं ये तो पहले हमने दो कार्ड में देखा है। लास्ट का कार्ड है द सन। तो सन का कार्ड आया है मतलब फिक्र करने की तो जरूरत है ही नहीं, ये मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड माना जाता है टैरो में से। तो ये पर्सन अब शायद चाइल्ड लाइक एनर्जी का यूज करने वाले हैं, मतलब अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है तो उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बच्चे की तरह जिद करके कैसे अपनी बात मनवानी है, और यही बात का आइडिया शायद उन्हें आ गया है, और इसलिए ये इतने खुश है और घोड़े पे सवार होके शायद वो उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे शायद उन्हें पता है कि उनके पेरेंट्स कैसे कन्विंस होंगे। तो जिसको भी कन्विंस करना है ये शायद अब उसी इनोसेंस के साथ, मतलब कोई चालाकी से नहीं, पूरे बच्चों जैसे इनोसेंस के साथ ये कुछ अपनी बात मनवाने के बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है उसी एनर्जी में कुछ काम उन्होंने शुरू भी कर दिया है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। कैलकुलेशंस, तो ऑलरेडी हमने जैसा डिस्कस किया कि जिंदगी में अगर किसी के साथ आगे बढ़ना है तो सब बातों के बारे में सोचना पड़ता है, तो ये पर्सन उसी बात को लेके कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स के साथ रहना है तो किस तरह का कुछ खर्चा वगैरह होगा, पेरेंट्स से दूर रहना है तो किस तरह का होगा, उनसे रिश्ते नाते तोड़ दिए तो जिंदगी भर का कैलकुलेशन क्या होगा, मतलब टोटल प्रैक्टिकल माइंडेड नहीं, लेकिन कई बार हमारे इमोशंस भी हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब किसके साथ ज्यादा इमोशनली हम जुड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये भी हम काउंट करते रहते हैं, वैसे ही शायद कुछ काउंटिंग ये कर रहे हैं। प्रिपेयर, तो खुद को काफी ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि प्रिपेयर क्यों करना है, क्योंकि ये आपके साथ ये टेन ऑफ कप की एनर्जी चाहते हैं, मतलब मेल फीमेल जो भी पर्सन है आपके पर्सन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उन्हें क्या कहना है, जिसको भी उन्हें मनाना है उसके लिए कम्युनिकेट। तो ये बात करने के बारे में सोचते भी हैं, और जितनी बातें उनकी आपसे हुई है उन बातों को लेके ये काफी ज्यादा सीरियस भी है, और इसी बात को लेके शायद वो अब आपसे भी कुछ सीरियस कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर अपने घर वालों से। फोकस, तो राइट नाउ इन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया है कि उनका फोकस आखिर है क्या, और अगर ये फोकस टेन ऑफ कप है मतलब हैप्पी फैमिली चाहिए, तो उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है। जैसे यहाँ पे हैप्पी फैमिली चाहिए, सबको साथ लेके चलना है तो घर वालों को भी मनाना पड़ेगा, आपको भी दिल जीतना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स का भी दिल जीतना पड़ेगा, ये सब उन्हें करना ही है। तो उसी बात के लिए जो जो प्रिपरेशन जरूरी है वो शायद उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। लेट गॉड डू इट, कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोच के ये थोड़े से दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो शायद भगवान पे भरोसा रखे हुए हैं कि मैंने अगर भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना की है तो मेरी बातें जरूर पूरी होगी। जैसे पहले इस स्टार कार्ड में मैंने कहा कि सिर्फ भगवान की तरफ हाथ ऐसे खड़े करके, हाथ फैला के कुछ मांगते रहो, इससे कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन कई बार जैसे कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत असर होता है, तो शायद ये पर्सन सच्चे दिल से आपसे लिए मिलने के लिए दुआ करते रहते हैं, आपको अपनी जिंदगी में लाने के लिए शायद भगवान को भी ये मना रहे हैं। विश, ऑलरेडी इस कार्ड में तो हमने देखा ही स्टार कार्ड में, तो आपको पाना ये उनके दिल की विश है, और साथ ही साथ अपनी फैमिली को खुश रखना ये भी उनकी विश है, और उन्हीं दो बातों को साथ में लेके चलना ये भी उनकी विश है। ड्रीम लैंड, सब हैप्पी एंडिंग हो ये तो उनका सपना ही है, और टेन ऑफ कप का कार्ड यही बताता है कि ये अपना वो सपना पूरा करना चाहते हैं, और इसीलिए शायद वो अपनी तरफ से एफर्ट लेने में
पीछे नहीं हट रहे, मतलब वो चाहते हैं कि अपनी ड्रीम लैंड पे वो जरूर पहुंचे, लेकिन सबके साथ, जहां आप भी हो और उनके पेरेंट्स भी हो। रीडिंग, कुछ शायद हेल्प ले रहे हैं, कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ रहे होंगे, जिसकी वजह से शायद उन्हें थोड़ी सी हेल्प भी मिल रही है, मतलब कैसे किसी को मनाना है, कैसे किसी का दिल जीतना है, या फिर अपने दिमाग से कुछ स्ट्रेस कैसे कम करना है, इस बात को भी लेके शायद कुछ हेल्प मिल रही है, और ये भी शायद वो ले रहे हैं। अभी जस्ट रीडिंग करते वक्त मुझे आवाज़ में थोड़ी सी चेंजेस महसूस हुई, तो थोड़ा सा हो सकता है आपके पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है, जिसकी वजह से वो इमोशनली अपनी फीलिंग्स सप्रेस करने लगते हैं, और इसकी वजह से वो अपनी बातें अपनी जुबान से कह नहीं पाते। ऑप्शंस, तो उनके सामने क्या क्या ऑप्शंस है सबका दिल जीतने के लिए, इसके बारे में शायद राइट नाउ इन्होंने फोकस कर लिया है। मतलब हो सकता है आपसे भी वो मिल नहीं रहे हैं जितना पहले मिलते थे, लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बाकी ऑप्शंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मतलब सब काम अगर जल्दी निपटाना है तो जल्द से जल्द सबका इंटरेस्ट किस में है, या फिर वो लोग क्या चाहते हैं, उनकी मर्जी या फिर उनकी दिल की विशेष कैसे पूरी करें जिस वजह से वो आपके साइड में आ जाए, ये ऑप्शंस के बारे में वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उनके तरफ अपना ध्यान देके वो यही चाहते हैं कि एक बार बस वो मान जाए तो बस हमने बाजी जीत ली हो। यहाँ पे भी यही पता चलता है कि शायद आप दोनों के रिश्ते में एक साथ आने के लिए हो सकता है आपके या इनके घर की तरफ से थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं, और यही प्रॉब्लम सॉल्व करने की एनर्जी में ये पर्सन अपनी एनर्जी मिक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उन्होंने उन्हीं सब बातों के लिए, हो सकता है आपके घर वालों ने भी उनके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे होंगे, जैसे जॉब वगैरह, अगर मेल पर्सन है उनका जॉब स्टेबल नहीं है, या फिर उनका अपना घर नहीं है, या फिर फैमिली इंटरकास्ट इंटर रिलीजन ऐसा कुछ मैटर है, तो हो सकता है आपके पेरेंट्स से भी ये मिल चुके हैं और उन्हें पता है कि क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। अंडरस्टैंडिंग, Our true love is born from understanding. तो भले ही आप दोनों right now कुछ proper action ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन उन्हें दिल से पता है कि आप दोनों में एक बहुत अच्छी understanding है। मतलब जिस तरह से ये person आपको समझते हैं, वैसे ही आप भी उनके दिल को अच्छी तरह से जानते हैं, और यही सबसे best होता है एक लव रिलेशनशिप के लिए। मतलब प्यार होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर प्यार के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो मुश्किलें आती भी हैं, तो भी पर्सन उस मुश्किलों को समझ पाता है अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, और इसी वजह से ये पर्सन भी समझते हैं कि भले ही देर हो रही है, लेकिन आप भी समझती है या समझते हैं कि प्यार तो ये आपसे करते हैं। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।